स्टार्टिंग में हम घने जंगल में झील के पास एक टेंट को देखते हैं। उसी टेंट से कुछ ही दूरी पर झील होती है और उसमें दो लड़कियां नहा रही होती हैं। तभी उनसे कुछ दूरी पर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने हाथ में चाकू लिए बैठा था और उसे धार कर रहा था, और उसके बाद वो उन दोनों को मार देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इस घटना को अब कुछ साल बीत जाते हैं और अब हम दो लड़कों को देखते हैं, एटी और एलियास को। एटी को उन चीजों के बारे में जानने का शौक होता है जिसे कुछ ही लोग जानते हों, और उसे उन दो लड़कियों के केस के बारे में पता चलता है जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अब वो इलियास को इसके बारे में बताता है और उसी जंगल में उसी झील के पास जाना चाहता है। इलियास को एडवेंचर बहुत पसंद है और वो इसे भी अपना एडवेंचर देखता है, इसलिए वो भी इसके लिए रेडी हो जाता है। अब मूवी को कुछ महीने पहले दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि इडा नाम की लड़की जो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है, लेकिन वो और उसकी फैमिली बड़ी ही परेशानी से जूझ रहे होते हैं। और वो परेशानी ये थी कि इडा एक पार्टी में गई थी और वहां कोई उसकी न्यूड पिक क्लिक्स कर लेता है और उन्हें वायरल कर देता है। इसी वजह से उसकी फैमिली की पूरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई थी और इसी वजह से उसके फादर ने उसका बाहर जाना बंद कर दिया था। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एटी और एलियास अपनी ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हैं। तभी दूसरी तरफ हम इडा को उसकी फ्रेंड नोरा के साथ देखते हैं। वो उसे बीती बातें भूलकर आगे बढ़ने को कहती है। तभी हम देखते हैं कि एटी और एलियास इडा के घर के बाहर उन दोनों का कार में वेट कर रहे होते हैं। इसका मतलब इडा और नोरा भी उनके साथ इस ट्रिप पर जा रही थी। उसके बाद जब एटी और एलियास उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं, तब एटी एलियास को बताता है कि इडा के कारण जो उसके डैड की बेइज्जती हुई थी उसको वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया, इसीलिए 6 महीने तक वो सबसे दूर रही थी। उसके बाद नोरा और इडा आ जाती हैं और ये चारों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये लोग उस झील के पास जा रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि पुलिस ने उस एरिया को बंद कर रखा था एक चैन से, लेकिन वो चैन को तोड़कर उसी जगह झील के पास चले जाते हैं और अपना टेंट लगाते हैं। टेंट लगाते लगाते उन्हें रात हो जाती है और हम देखते हैं कि एलियास और नोरा उसी झील में नहा रहे होते हैं और इडा और एटी के पास बैठी होती है। वो अब भी उसी केस की पिक्चर्स को देख रहा था। इडा भी उन पिक्चर्स को देखती है और कहती है कि उसने भी इस केस के बारे में सुना है, ये एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। तभी वहां नोरा और इलियास आ जाते हैं। एटी कहता है कि उसने कुछ हद तक तो इस मिस्ट्री को सुलझा लिया है। वो बताता है कि ये जंगल उस किलर का घर है और जिस तरह हमें अपने घर में कोई अनजान अच्छा नहीं लगता, उसी तरह उसे भी अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से उसने इन दोनों लड़कियों को मार दिया। लेकिन अब मैं ये जानने आया हूँ कि वो अब भी इस जंगल में है या नहीं, और अगर है तो जल्द ही हम उससे मिलने वाले हैं। नोरा और एलियास को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो सोने के लिए चले जाते हैं, और कुछ देर बाद इडा और एटी भी सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद आधी रात को नोरा को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए एलियास भी उसके साथ जाता है। उनके जाने के बाद इडा और एटी अकेले रह जाते हैं। तभी उनके टेंट के ऊपर कोई एक लकड़ी की बड़ी सी टहनी फेंक देता है जिससे वो थोड़ा डर जाते हैं, और उसके बाद सब शांत हो जाता है। एटी को लगता है कि ये एलियास की शरारत है। वो उसे देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता और ये देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। वो टेंट के अंदर आके इडा को ये बात बता रहा था और तभी पीछे से कोई आता है और एटी की कमर पर चाकू से वार करता है और फिर वहां से भाग जाता है। इडा एटी को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर नोरा और इलियास भागकर वापस आते हैं और वहां वो एटी को घायल और खून में लथपथ पाते हैं। अब वो एटी को बचाना चाहते हैं तो वो तीनों जंगल के बाहर जाने लगते हैं ताकि कोई उनकी मदद कर सके और एटी को बचाया जा सके। जंगल के बाहर जाते जाते नोरा के पैर में मोच आ जाती है जिससे कि वो चल नहीं पाती, और वो इडा और इलियास को उसे वहीं छोड़कर जाने को कहती है, और उसके बाद वो दोनों कुछ दूर जाते हैं। जब इलियास इडा को बताते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ जो 6 महीने पहले हुआ था मैंने उसके बारे में कुछ पता किया है, और ये है कि तुम्हारी किसी ने न्यूड फोटोज क्लिक करी ही नहीं थी, बस किसी ने फेक न्यूज बनाकर पूरे कॉलेज में फैला दी थी। ये सुनकर इडा कुछ हैरान सी होती है
और इलियास से कहती है कि मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं। तब वो कहता है कि अगर तुम्हारी ऐसी फोटोज है तो वो किसी ने देखी क्यों नहीं, किसी और क्या, वो तो तुमने भी नहीं देखी, और पुलिस को भी ऐसी कोई पिक्चर्स नहीं मिली। इलियास ये बता ही रहा होता है तभी पीछे से एक साया आता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वो चाकू सीधा इलियास के कमर में मार देता है जिससे कि वो मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो साया और कोई नहीं बल्कि नौरा थी। इसका मतलब नौरा ने इलियास को मारा और नौरा को जो मौज आई थी वो एक बहाना था। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि इसने ऐसा क्यों किया, तो हम आपको बता दें इडा के न्यूड पिक्चर्स एटी और इलियास ने ही क्लिक करी है और उन्हीं ने फैलाई भी है, इसलिए ये दोनों एटी और इलियास को मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है कि एटी को किसने मारा, क्योंकि नौरा उस समय इलियास के साथ थी और इडा एटी के सामने, तो वो कौन था ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद ये दोनों एक एक करके सारे सबूत मिटाने लगते हैं और सूरज निकलने से पहले उन्हें अपने घर पहुंचना होगा वरना किसी को भी शक हो सकता है कि वो रात भर कहां थे। इसलिए वो एटी और इलियास की बॉडी को एक बैग में पैक करके एक बड़े से पत्थर के अंदर बांधकर एक झील में फेंक देते हैं और उसके बाद वो कार में बैठकर जाने लगते हैं। लेकिन कार की चाबी तो इलियास की पॉकेट में होती है जो कि अब पानी के अंदर है। कुछ देर सोचने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि पानी में जाकर ही उस चाबी को लाना होगा। तो पानी में जाकर चाबी लाने का काम इडा करती है और फिर वो वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में इडा इलियास की बातों को सोचती है कि जो उसने कहा था वो सच भी तो हो सकता है। वो इस बारे में नौरा से बात करती है। पहले तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारी उन फोटोज को देखा है। तब इडा कहती है कि मैंने मेरी फैमिली और पुलिस को तो कुछ नहीं मिला। तब नौरा उसे एक राज की बात बताती है कि तुम्हारी कोई न्यूड फोटो नहीं है और तुम्हारी न्यूड पिक्चर्स की न्यूज भी मैंने वायरल की है। ये बात सुनकर इडा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब नौरा बताती है कि स्कूल में तुम इलियास के ज्यादा ही क्लोज होने लगी थी और जब तुम मेरे साथ होती थी तब भी तुम बस इलियास की बातें करती थी, तुम उसे लाइक करने लगी थी। मुझे लगा कि तुम मुझसे दूर जा रही हो, तब मैंने एक प्लान बनाया। जब तुम उस पार्टी में गई थी तो मैंने तुम्हें बेहोशी वाली ड्रिंक पिलाई थी जिससे तुम्हें कुछ याद ना रहे। उसके बाद मैंने तुम्हें एक रूम में लिटा दिया और बाहर ये न्यूज फैला दी कि किसी ने तुम्हारी न्यूड पिक्चर्स क्लिक करी है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये न्यूज इतनी ज्यादा वायरल हो जाएगी कि तुम्हारे फादर सुसाइड कर लेंगे। ये सुनने के बाद इडा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी क्योंकि पहले तो जो गलती उसने की ही नहीं उसे उसकी सजा मिली, दूसरा उसके फादर ने सुसाइड कर लिया, तीसरा उसने दो बेगुनाह लोगों को मारा और चौथा और आखिरी ये सब उसके बेस्ट फ्रेंड की वजह से हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब इडा को गिल्टी फील होने लगा था। वो कहती है कि मैं सबको जाकर सब सच बता दूंगी, लेकिन नौरा उसे मना करती है और इस बात पर उनकी कार में ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी उनकी कार के सामने एक आदमी आ जाता है जिससे कि कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और हम आपको बता दें कि ये वही किलर है जिसने स्टार्टिंग में उन दो लड़कियों को मारा था और एटी भी इसी के लिए आया था। उसके बाद वो इडा और नौरा की कार को अपने ट्रक से जोड़ता है और अपने साथ ले जाने लगता है। तभी नौरा कहती है कि हमें इसे मारना होगा क्योंकि इसने हमें देख लिया है, अब तुम मुझे वो चाकू दो। इडा हैरानी के साथ कहती है कि कौन सा चाकू। तब नौरा कहती है कि वही जिससे तुमने एटी को मारा था। इडा उसे मना कर देती है कि मैंने तो उसे नहीं मारा, मुझे लगा तुमने उसे मारा है। तब नौरा भी मना कर देती है कि मैंने उसे नहीं मारा। तब यहाँ हमें पता चलता है कि एटी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि यही किलर है और वो इन चारों पर शुरू से ही नजर रखे हुए था और अब उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ये किलर अब उन्हें मारने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो किलर उन्हें उसी झील के पास ले जाता है और उनका मुंह बंद कर देता है ताकि वो ना तो कुछ बोल सके और ना ही चिल्ला सके। और उसके बाद वो अपने चाकू को फिर से धार करने लगता है और उसके बाद वो नौरा को मार देता है और इडा को जिंदा छोड़ देता है और उसे उसके घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है, उसे क्यों नहीं मारता, ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब इडा अपने घर के बाहर पूरी खून में सनी मिलती है तो पुलिस को बुलाया जाता है और छानबीन के दौरान उन्हें झील के पास एटी, इलियास और नौरा की डेड बॉडी मिलती है और इन चारों में से
से अब एडा ही बची थी। तो पहला शक उसी पर जाता है और दूसरा कि उसके पास उन्हें मारने का रीजन भी था, उसके न्यूड पिक्चर्स क्लिक करने का। अब एडा की कोई नहीं सुनता और उसे जेल हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस किलर ने एडा को इसीलिए छोड़ा था ताकि एडा फंस जाए और किलर बच जाए। ये उसकी प्लानिंग थी जो पूरी हुई। उसके कुछ महीनों बाद हम एक और ग्रुप को उसी झील पर देखते हैं और वो किलर उन पे नजर रखे हुए था और अपने चाकू को फिर से धार करने लगता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय।